रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। तो हमेशा की तरह इस खास पेशकश में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसे तीन तीन मोर्चों पर अब करारा जवाब मिला है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने पाक परस्त आतंकियों को मार गिराया है। तंगधार में एलओसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी का उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में भी पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कश्मीर का मसला उठाने पर भारत ने सुना दिया कि खून खराबे वाला पाकिस्तान पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखे। सुरक्षा बलों के जवानों ने घाटी में एक और आतंकी साजिश को नाकाम किया है। तड़के हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के तीन आतंकी ढेर किए गए हैं। एक आतंकी की पहचान हिजबुल कमांडर जुबैर के रूप में हुई है। पिछले दो हफ्ते में अकेले शोपियां में हुए एनकाउंटर में 17 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों की गोली से तीन आतंकी ढेर। शोपियां का तुर्कवान गांव इलाका आज तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुख्ता खुफिया सूचना पर सुरक्षा बल के जवानों ने कुछ आतंकियों को घेरा हुआ था। दोनों तरफ से रुक रुक कर जबरदस्त गोलीबारी हुई और आखिरकार देश के दुश्मनों को ढेर करने में बहादुर जवान कामयाब हो गए। एनकाउंटर में तीन आतंकवादी मारे गए। कहीं कोई और आतंकी तो नहीं छिपा, इसका पता लगाने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी लगातार घाटी की शांति बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों की चौकसी के आगे हर बार उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। दो दिन पहले 13 जून को सुरक्षा बल के जवानों ने कुलगाम के निपोरा में दो आतंकियों को मार गिराया था। इसी तरह 11 जून को बड़गाम में एनकाउंटर हुआ था, लेकिन जैश का आतंकी तब भागने में कामयाब रहा। सुरक्षा बल को तब आतंकी अड्डे से हथियारों का जखीरा मिला था। 10 जून को शोपियां में ही एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए थे। शोपियां में तब ये एक हफ्ते के भीतर तीसरा ऑपरेशन था। पिछले कुछ दिनों से शोपियां आतंकियों का बड़ा अड्डा बनकर उभरा है। दो हफ्तों में हुए 4 एनकाउंटर में यहां 17 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों का संदेश साफ है, सावधान हो जाओ, देश की बर्बादी की साजिश रचोगे तो खैर नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।